एवरीवन एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में तो हम सबने पढ़ा है कि किसी भी पार्टिकल की जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, व्हिच इज ऑब्वियसली द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एन इंस्टेंट, उसे द डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कहा जाता है, दैट इज द टाइम डिफरेंशिएशन, दैट इज अ टाइम डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी तो ऑब्वियसली हमें बताते हैं कि किस रेट से इतना पूरा डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है, या फिर इतना पूरा रादर चेंज इन पोजिशन आया और डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्स हुआ है। मीनवाइल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको बताएगा कि इस इंस्टेंट पे या फिर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये पार्टिकल किस रेट से चल रहा था। बट यू नो व्हाट इट एक्चुअली मीन्स कि एक इंस्टेंट पे ये पार्टिकल किस रेट से चल रहा है, क्योंकि अगर एवरेज वेलोसिटी इतनी बता दी जाए तो ऑब्वियसली हमें पता है कि इतने टाइम ड्यूरेशन में इतना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्स हो रहा है, सो वी कैन ऑब्वियसली गेट सम इंफॉर्मेशन आउट ऑफ दैट एवरेज वेलोसिटी। लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सच ए टर्म जो कि आपको बताएगा कि इस पॉइंट पे इतनी रेट है, मीनवाइल नेक्स्ट पॉइंट पे रेट डिफर कर आती है। सो व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? वेल इट इज सच कि अगर किसी भी पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लेट्स से किसी भी इंस्टेंट पे 2 meter per second गिवन है, उस केस में 2 meter per second को आप ऑब्वियसली 200 centimeter per second लिख सकते हो। एंड एज यू विल डिक्रीज द यूनिट्स एंड यूनिट्स, जैसे आप यूनिट्स डिक्रीज करते जाओगे एंड टाइम के भी यूनिट्स डिक्रीज करते जाओगे, तो जब आप बहुत ही छोटे यूनिट्स ऑफ टाइम पे पहुंच जाओगे फ्रॉम सेकेंड टू समथिंग लाइक नैनो सेकेंड, जहां पे एग्जैक्टली इट इजंट अ ड्यूरेशन लेकिन एक सेकेंड यू आर जस्ट कन्वर्टिंग टू वेरी स्मॉल यूनिट्स, एंड फाइनली आपको मिल जाएगा बाई कन्वर्टिंग इट इनटू स्मॉलर सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स लाइक नैनो सेकेंड्स, कि अगर एक नैनो सेकेंड पास हो गया उसमें ये जो पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी उसमें, तब आपको पता चलेगा कि इन अ नैनो सेकेंड ये पार्टिकल इस बेसिकली रेट से चल रहा है, क्योंकि इट इज ऑब्वियसली अगेन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ 2 meter per second will just be equal to this a smaller system of units जिसमें आप convert कर रहे हो, तब आपको actual में यहाँ से information मिलेगी कि instantaneous velocity भी somehow average velocity के जैसे appear करता है when you are doing making the unit system of units smaller and smaller, मतलब आपको पता चलेगा कि एक nanosecond में ये particle इतना nanometer या फिर something like that travel करता है। तो यहाँ पे when you are converting this into smaller systems of unit you can actually extract information out of it, so you have to remember ki instantaneous velocity jise velocity at an instant define karte ki aisa keh diya gaya agar is rate se particle chal raha hota to ye itna distance travel karta, actual mein is rate se particle chalta hai for a very small duration of time jise ek instant kaha jata hai, so to understand it more clearly you have to think of it in smaller systems of unit and then only you'll be